हेलो एवरीवन, इट्स दिवेश एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सप्लेन। सो आज हम करवाने जा रहे हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। जैसे कि आप सबको पता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की सीरीज चल चुकी है, हमारी स्टार्ट हो चुकी है, धीरे धीरे हम इसको कंप्लीट करा रहे हैं। तो आज हम आ गए हैं यूनिट नंबर 5 पे और लेक्चर नंबर 10 पे। चैप्टर नंबर 10 आज हम करवाने वाले हैं। तो जितने भी सेमेस्टर 3rd के या सेमेस्टर 5th के बच्चे इस सीरीज को देख रहे हैं, SOL के, रेगुलर के, NCVAP के, जिन लोगों के दिसंबर में एग्जाम आने वाले हैं 3rd और 5th सेमेस्टर के, तो भाई उनके लिए सीरीज जो है ना फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है और कह सकते हो एग्जाम्स के लिए एकदम से बहुत बढ़िया होने वाली है। क्योंकि एग्जाम के लिए सारे टॉपिक्स मैं सारे चैप्टर्स में कवर करवा रहा हूँ धीरे धीरे। तो बाकी 5-7 चैप्टर रह गए हैं, पूरी सीरीज हमने डाल दिया प्ले लिस्ट में भी और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। इससे पहले के जो सारे चैप्टर्स है वहाँ पर आप जाके रीड कर सकते हो, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 10, जिसका नाम है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल। एक तरह से कह सकते हो ये जो चैप्टर है ना भाई, वर्किंग कैपिटल का ये पहला पार्ट है। इसके बाद सेम एक चैप्टर और है, चैप्टर 11 जब आएगा तो सेम चैप्टर आएगा वर्किंग कैपिटल के नाम से, पार्ट सेकंड होगा, ठीक है। ये पार्ट वन है, वो पार्ट सेकंड होगा। बस ये मैनेजमेंट एंड इन्वेस्टिंग है, उसके जो कुछ टॉपिक्स है वो चेंज होंगे, ठीक है। बाकी आगे का नेम जो है वो हेड वही रहेगा वर्किंग कैपिटल के नाम से, ठीक है। तो इस वीडियो को मैं चालू करूँ उससे पहले बता दूं, अगर किसी को भी नोट्स वगैरह बाय करने हैं तो नोट्स खरीदने के लिए आप WhatsApp पे मैसेज कर सकते हो या फिर कॉल कर सकते हो इस नंबर पे कॉल करके आप बोल सकते हो, मिनिमम अमाउंट पे करके नॉर्मली आप WhatsApp से नोट्स को बाय भी कर सकते हो PDF फॉर्मेट में, ठीक है भाई। तो जिसको भी नोट्स परचेज करने हैं आप इस नंबर पे कॉन्टेक्ट करो कि मुझे नोट्स बाय करने हैं, नोट्स खरीदने हैं, मिनिमम अमाउंट दे के आप नोट्स को इजिली बाय भी कर सकते हो। नोट्स रेडी हो चुके हैं इंग्लिश मीडियम में पूरे, हिंदी मीडियम में नहीं आए हैं भाई, हिंदी मीडियम वालों को वीडियो से करना पड़ेगा। इंग्लिश मीडियम में रेडी हो चुके हैं सारे बुक के सारे चैप्टर के, ठीक है। तो नोट्स के लिए आप कॉन्टेक्ट कर लेना। तो आइए स्टार्ट करते हैं वर्किंग कैपिटल से। पहले हमने डेफिनेशन दे रखी है, डेफिनेशन देखते हैं। वर्किंग कैपिटल रिफर्स टू ए कैपिटल और फंड ए कंपनी, कह रहा है वर्किंग कैपिटल बेसिकली एक ऐसी कैपिटल होती है जो अलग से रिजर्व करके रखी जाती है कंपनी द्वारा। कभी भी कोई फंड की किसी कैपिटल की एकदम से नीड हो जाए ना, तो भाई उसके लिए काम आती है वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल रिफर्स टू ए कैपिटल और फंड, एक ऐसी कैपिटल और एक ऐसा फंड होता है कंपनी का जो यूज्ड करते हैं, यूज्ड टू मैनेज इट्स डे टू डे ऑपरेशनल। कह रहा है ये जो है हमारे डे टू डे ऑपरेशनल जो भी होते हैं, जो भी हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, जो भी हमारे खर्चे होने वाले हैं, जो भी हमारे ऑपरेशनल्स हैं उनको इजिली मैनेज करके चलता है। एक्सपेंसेस हो या फिर हो सकते हैं शॉर्ट टर्म के कोई लोन या असेट्स, शॉर्ट टर्म के कोई भी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस होती हैं उनको मैनेज करने के लिए वर्किंग कैपिटल बनाया जाता है, ठीक है। तो बेसिकली वर्किंग कैपिटल कंपनी बनाती है किसी भी फंड को मैनेज करने के लिए, और कंपनी के साथ साथ जो कंपनी के छोटे मोटे शॉर्ट टर्म जो पीरियड में खर्चे होने वाले होते हैं ना उनको मैनेज करने के लिए वर्किंग कैपिटल बनाया जाता है। नीचे मैंने लिखा है क्लासिफिकेशन और काइंड्स ऑफ वर्किंग कैपिटल। अब हम देखेंगे कि वर्किंग कैपिटल को कितने काइंड्स में बांटा गया है और कितनी क्लासिफिकेशन में इसको क्लासिफिकेशन किया गया है, ठीक है। तो बेसिकली मैंने जो यहाँ पे लिखी है टोटल 6 टाइप्स की वर्किंग कैपिटल में बांटा है। आपकी बुक में भी ये 6 तरह की वर्किंग कैपिटल में आपको मिल जाएगा बांटा हुआ। तो स्टार्ट करते हैं नंबर वन आपकी बुक में मिल जाएगा ग्रॉस कैपिटल, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। क्या बोला मैंने? ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, नाम मत भूलना, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, ठीक है, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। तो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल होता क्या है? इसमें आपकी जो भी असेट्स है, ऑल असेट्स और ऑल लाइबिलिटी, जितनी भी लाइबिलिटी है इस कैपिटल में, आप असेट को तो मान के चलते हो कि असेट के लिए हमें कैलकुलेट करके चलना है, एक रिजर्व बना के चलना है, बट लाइबिलिटी के लिए हम कोई रिजर्व क्रिएट नहीं करते, कोई चीज मेंटेन नहीं करेंगे। तो सिर्फ मैंने लिखा है All assets, no liabilities. यहाँ पे ऐसा मान के चलेंगे कि सारा gross capital सिर्फ और सिर्फ asset के लिए बनेगा। यहाँ पर कोई भी reserve capital जो है वो liabilities को define करने के लिए नहीं बनाया जाता, ठीक है। Point second, net working capital. अब हम बात करेंगे कि net working capital क्या होता है। तो net working capital में मैंने बताया कि difference between current asset and current liabilities. भाई दोबारा शुरू, नेट वर्किंग कैपिटल निकालनी है, हमको पता है वर्किंग कैपिटल असेट और लाइबिलिटी का मेल जोल होता है ना, क्योंकि वर्किंग कैपिटल कैसे निकलता है, असेट इक्वल टू लाइबिलिटी इक्वल टू वर्किंग कैपिटल, ठीक है। तो हम वैसे भी अकाउंटिंग में करते रहते हैं। तो वर्किंग कैपिटल के लिए आपको क्या निकालना है? करंट असेट्स
और करंट लाइबिलिटी का जो है डिफरेंस होता है वर्किंग कैपिटल, नेट वर्किंग कैपिटल। तो आप क्या से लिखोगे, करंट असेट्स जो भी है, मतलब सी ए करंट असेट्स घटा दोगे, माइनस कर दोगे, करंट लाइबिलिटी इज इक्वल टू निकल जाएगा वर्किंग कैपिटल। तो ये हो गया फॉर्मूला इसका सेकंड वाले का, समझ आ गया। तो नेट वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया। पॉजिटिव वर्किंग कैपिटल, पॉजिटिव अगर बात करें पॉजिटिव वर्ड की, पॉजिटिव मतलब होता है प्लस, ज्यादा, ज्यादा होना कोई चीज, ठीक है। तो ज्यादा क्या होता है, ज्यादा असेट्स हो सकती है, असेट ज्यादा होंगी तो खुशी की बात है, लाइबिलिटीज ज्यादा होंगी, लेनदार ज्यादा होंगे, पैसे हमको देने वाले ज्यादा हैं। अगर मान लें हम किसी को दे रहे हैं, वो जो लेने वाले लोग हैं हमसे वो बहुत ज्यादा है और देने वाले कम है, तो लाइबिलिटीज अगर ज्यादा होंगी तो प्लस नहीं आएगा, प्लस कब आएगा जब असेट्स ज्यादा होंगी। तो अगर असेट्स लाइबिलिटी से ज्यादा है तो हम लिखेंगे पॉजिटिव है वर्किंग कैपिटल। क्या समझ आया, पॉजिटिव वर्किंग कैपिटल कब होगा, जब करंट असेट्स ज्यादा होगा करंट लाइबिलिटी से, ठीक है। मैंने क्या बोला, करंट असेट्स ज्यादा होगी किससे भाई, करंट लाइबिलिटी से, सीएल से, ठीक है। तब आप बोलोगे ये पॉजिटिव है। अब दूसरा इंपैक्ट, नेगेटिव वर्किंग कैपिटल। अब ये बताओ नेगेटिव वर्किंग कैपिटल किसे बोलते हैं भाई, नेगेटिव की बात कर रहे हैं जिसमें माइनस का साइन आता है। तो माइनस का साइन जब आएगा, जब यहाँ पे माइनस वाले ज्यादा होंगे, लेने वाले पैसा ज्यादा होंगे देने वाले से, तो लेने वाले ज्यादा होते हैं तो लेने वालों को क्रेडिटर कहा जाता है, हमारी जो लाइबिलिटी है उनको कहा जाता है। तो हम कहेंगे करंट लाइबिलिटी ज्यादा है करंट असेट से, जिसको मतलब होता है नेगेटिव वर्किंग कैपिटल, ठीक है। बात क्लियर है, नेगेटिव वर्किंग कैपिटल मतलब करंट लाइबिलिटी जब ज्यादा हो करंट असेट के मुकाबले तो उसको नेगेटिव वर्किंग कैपिटल कहते हैं। पॉइंट नंबर 5, परमानेंट वर्किंग कैपिटल और वेरिएबल वर्किंग कैपिटल। अब देखो परमानेंट जो होता है वो मिनिमम होता है, परमानेंट में लिखा है द मिनिमम लेवल ऑफ कैपिटल रिक्वायर्ड। यहाँ पर बिजनेस में सिर्फ छोटी सी कैपिटल रिक्वायर्ड होती है बिजनेस चलाने के लिए। क्या बोला, मिनिमम लेवल ऑफ कैपिटल रिक्वायर्ड, भाई छोटा सा पैसा चाहिए बिजनेस को बढ़ाने के लिए, परमानेंट वर्किंग कैपिटल होती है वो हमारी। क्या होती है, परमानेंट। और जब आपको बहुत ज्यादा बड़ा पैसा चाहिए, बहुत ज्यादा बड़ा शोरूम है आपका, ज्यादा पैसा चाहिए, बहुत ज्यादा ज्यादा चाहिए, तो उस जगह पे जो कैपिटल यूज करते हो वो वेरिएबल कैपिटल होती है, जो चेंज होती रहती है, टाइम टू टाइम बदलती रहती है। अब ऐसी वेरिएबल कैपिटल जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं द एडिशनल वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड। कौन सी कैपिटल है, एडिशनल वर्किंग कैपिटल। बात क्लियर है, एडिशनल वर्किंग कैपिटल, उस कैपिटल को क्या कहा जाता है, एडिशनल वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड फॉर सीजनल। और ये कैपिटल सीजनल के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है, जैसे कि अभी गर्मी है तो गर्मी में जो प्रोडक्ट आएंगे वो सिर्फ गर्मी गर्मी के आते हैं, इसी तरह से सीजनल होती है, ये चेंज होती रहती है, बूम आता है कभी नीचे गिर जाती है, कभी पीक आता है तो कभी नीचे हो जाती है। तो ये कैपिटल वेरिएबल होती है, कॉन्स्टेंट नहीं होती है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे, जो वेरिएबल कैपिटल है ये हमेशा ज्यादा होगी, मैक्सिमाइज होगी, परमानेंट वाली मिनिमम होगी, नेगेटिव हमेशा लाइबिलिटी बढ़ाएगी, पॉजिटिव हमारा असेट बढ़ाएगी, और नेट वर्किंग कैपिटल नॉर्मल जो होता है करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी इज इक्वल टू वर्किंग कैपिटल। और ग्रॉस जो होती है वो असेट को देखती है सिर्फ, और लाइबिलिटी को नहीं देखती, ठीक है। 6 के 6 तरीके हुए। इंपॉर्टेंस ऑफ एडुक्वेट वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल के इंपॉर्टेंस क्या है, फायदे क्या है, भाई ये समझो फायदे क्या होते हैं। जैसे आप फेस मास्क पे मतलब चेहरे पे कुछ लगाते हो गोरा होने के लिए, तो अगर आपको गोरा होना है तो आप कुछ ना कुछ लगाओगे, किससे लगा रहा है, आपको फायदा क्या है लगाने का, क्योंकि आपको गोरा होना है। तो इसी तरह से जैसे हर चीज का फायदा होता है, वर्किंग कैपिटल हम बना रहे हैं, बिजनेस में फंड कहाँ कहाँ से आने वाला है वो चीजें हम ढूंढ रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं सोर्सेज, उसका फायदा क्या होगा। तो पहला तो होगा स्मूथ ऑपरेशन, कोई भी ऑपरेशन के अंदर आगे इंटरप्शंस नहीं आएगी। इंटरप्शंस मतलब होता है, इंटरप्शंस मतलब होता है कि जब कंपनी चालू होती है तो कंपनी में कोई ऐसी कमी नहीं आएगी कि मशीन खराब हो गई। भैया आप बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस में पता चला मशीनर का मशीन का बॉयलर फट गया या कोई चोरी हो गई, तो कोई भी एन नंबर ऑफ इंटरप्शंस वो नहीं आती, स्मूथ बिजनेस चलता है, वर्किंग कैपिटल अच्छी हो तो, ठीक है। नेक्स्ट है क्राइसिस मैनेजमेंट, जो अभी छोटे मोटे खर्चे होने वाले हैं, जो भी एक्सपेंसेस होने वाले हैं, उनका लिए फ्यूचर से ही एक रिजर्व क्रिएट करना पड़ेगा, एक फंड क्रिएट करके चलते हैं, ताकि अगर मान लो
आने वाले टाइम पे कभी कुछ ऐसा हो गया, अनहोनी, मिस हैपनिंग या कुछ भी ऐसा हो गया, जब कैपिटल नहीं होगी तो क्या करेंगे? तो उसके लिए क्राइसिस मैनेजमेंट करके चलते हैं, ठीक है? पहले ही रिजर्व बना के चलेंगे। अगला आता सप्लायर रिलेशनशिप। आपको अपने सप्लायर के साथ एक रिलेशनशिप बना के चलना है, जब वो कोई भी माल आप तक पहुंचाता रहे, ठीक है? कभी भी कोई भी आप बिजनेस कर रहे हो तो एक सप्लायर और एक बायर दोनों से अच्छे रिश्ते बना के चलने। क्योंकि क्या होता है कि अगर मान लो सप्लायर आपके पास माल नहीं पहुंचाएगा, आप माल प्रोडक्शन नहीं कर पाओगे, प्रोडक्शन नहीं कर पाओगे तो आगे माल जाएगा नहीं कस्टमर तक, कस्टमर तक माल नहीं जाएगा तो कस्टमर आएगा नहीं, आएगा नहीं तो ग्रो नहीं होगी। तो इसीलिए सप्लायर रिलेशनशिप अच्छे होने चाहिए। नेक्स्ट है लेवरेज फॉर ग्रोथ। लेवरेज फॉर ग्रोथ, जितने भी छोटे मोटे लेवरेज होते हैं, जो रेट ऑफ रिटर्न होते हैं, ऐसी चीज जिनके ऊपर लेवरेज लगता है, मतलब कि कोई टैक्स लगता हो, कोई इंटरेस्ट लगता हो, जिसके ऊपर आप ब्याज पे करते हो, तो ऐसी जो चीजें होती है लिवरेज जो होती है, इनकी क्या होती है? ग्रोथ होती है। लिवरेज फॉर ग्रोथ, ये लिवरेज आपकी ग्रोथ के लिए होता है कि कैपिटल में किस तरह से वो ग्रो करेगा और कैपिटल किस तरह से आगे इंक्रीज होती है, डेवलप होती है। नेक्स्ट जो है लास्ट है वो है इंटरेस्ट रिडक्शन। इंटरेस्ट रिडक्शन, ब्याज जो है वो कम होगा, आपको जिसको भी पैसा देना है, आपको अगर कोई इंटरेस्ट लगा के देना है तो उसमें रिडक्शन आएगा, आपको कैपिटल में रिडक्शन पे करना पड़ेगा, ज्यादा रिडक्शन मतलब ज्यादा मैक्सिमाइजेशन रेट आपको नहीं देना पड़ेगा, ठीक है? तो भैया अब हम बात करने वाले हैं द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल के प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? तो सबसे पहले तो ऑब्जेक्टिव आता है इंश्योरिंग लिक्विडिटी फॉर डेली ऑपरेशन। आपको हर दिन कुछ ना कुछ करने के लिए, हर दिन जैसे पैसा चाहिए होता है अपनी डेली रूटीन्स को फॉलो करने के लिए, तो भैया समझो इसी तरह से एक बिजनेस को भी पैसा चाहिए होता है। जैसे अभी आप एक दिन हुआ, आज संडे है, आपको कुछ ना कुछ पैसा तो लगेगा पूरा। तो एक दिन में ऐसा तो नहीं है कि आप बिल्कुल भी एक रुपये भी खाते नहीं होंगे, कुछ ना कुछ खाते हो। तो हर दिन शरीर को, बॉडी को जैसे पैसा चाहिए होता है, ऐसे ही कंपनी को एक लिक्विड फॉर्म में पैसा चाहिए होता है डेली ऑपरेशंस के लिए। कंपनी में कभी मान लो पेटी कैश खत्म हो गया, कभी कुछ मंगाना पड़ गया बाहर से कस्टमर्स के लिए या अपने स्टाफ्स के लिए, कस्टमर्स में कभी कुछ आनाकानी हो गई, पैसा किसी का चोरी हो गया, उसको देना है, तो हमेशा लिक्विड फॉर्म में डेली ऑपरेशन में पैसे की नीड होती है। नेक्स्ट आता है मेंटेनिंग ए बैलेंस बिटवीन करंट एसेट और लाइबिलिटी। करंट असेट्स जो होती है, जो आपके संपत्तियां हैं, प्लांट्स, लैंड्स, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सचर, टेक्सटाइल, तो इन सब के अंदर, और जो आपके लेनदार हैं, जो पैसा लेने वाले हैं, जो आपसे मांग रहे हैं, आपके कॉलर पकड़ पकड़ के बोल रहे हैं कि भाई हमारी पेमेंट कर दो, पेमेंट कर दो, तो ऐसे लोगों से और करंट असेट्स में एक मेंटेन बैलेंस बना के रखना होता है। आगे लिखा है ऑप्टिमाइजिंग द यूज ऑफ अवेलेबल फंड्स। जो भी आपका फंड है उसका एक ऑप्टिमाइज यूज करना, एक ऐसा अच्छे ढंग से यूज करना कि आपका बिजनेस भी रन करता रहे, आपके वर्किंग कैपिटल डाउन भी ना जाए और बाद के लिए फंड भी बचा रहे कि आप जब उसको बाद में यूज करना चाहो तो आपके लिए वो बचा रहे। जैसे आपके घर में अभी क्या है, दाल, चावल, चीनी सब राशन होता है, ठीक है? बट मम्मियाँ क्या करती है, घर को चलाने के लिए एक ऑप्टिमाइजेशन करती है, एक यूज इस तरह से करती है कि जो अवेलेबल राशन है ना, जो अवेलेबल फंड है उनको दिए गए हैं, उनका एक बेटर यूटिलाइजेशन, वो खराब भी ना हो, ज्यादा लंबे समय तक वो चल पाए। तो इसी तरह एक कंपनी भी एक मम्मी की तरह, एक सॉरी एक कंपनी जो है उसी माँ की तरह अपने जो बिजनेस है उसको एक ऑप्टिमाइजेशन करके चलती है, एक इस तरह से चलती है कि बिजनेस में हमें आगे डाउनफॉल ना झेलना पड़े, ठीक है? नेक्स्ट है सपोर्टिंग ग्रोथ एंड प्रॉफिटेबिलिटी। ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो मेंटेन करके चलनी होती है। आपको ये देखना होता है कि आपकी कंपनी ग्रो भी करती रहे, प्रॉफिट भी आता रहे, दोनों चीजें एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। जब प्रॉफिट आएगा तो कंपनी ग्रो करेगी, कंपनी ग्रो करेगी तो प्रॉफिट भी अपने आप आएगा, तो दोनों एक दूसरे के ऊपर इंडिपेंडेंट है, दोनों एक दूसरे से बनी हुई है, जुड़ी हुई है, ठीक है भाई? नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फैक्टर्स डिटरमाइनिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड। अब कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो वर्किंग कैपिटल में रिक्वायर्ड होते हैं? वर्किंग कैपिटल जब हम पढ़ रहे हैं तो इसमें कुछ मैनेज करना होगा, कुछ फाइनेंस करना होगा, तो इसी के लिए तो कैपिटल रिक्वायर्ड होती है भाई, और किसके लिए होगी हमें? तो हमने देखा कि नेचर ऑफ बिजनेस की वजह से वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड होती है। अगर मान लो छोटा बिजनेस, स्मॉल बिजनेस है, साइज स्मॉल है, तो कम कैपिटल जारी होगी,
अगर बड़ा बिजनेस है तो आपको कैपिटल भी ज्यादा लगेगी, वेरिएशन भी ज्यादा होगी, अलग अलग डिपार्टमेंट बनाने हैं, अलग अलग जगह पैसा लगाना है, हर एक स्टाफ मेंबर की सैलरी देनी है, रेंट लाइट्स का खर्चा देना है, तो नेचर ऑफ बिजनेस होता है, सीजनल होता है। अगला फिर आता है बिजनेस साइकिल। देखो सीजनल मैंने बताया था कि हर एक वर्किंग कैपिटल एक सीजनल होती है, हो सकता है किसी टाइम पे मार्केट के अंदर शेयर्स की वैल्यू जो वो डाउन हो जाए, ठीक है, जो शेयर्स हैं उनकी वैल्यू डिक्रीज हो जाए, और जैसे शेयर्स की वैल्यू डाउन हो गई आपकी मार्केट में उसको खरीदने का लालसा आ गई कि हम इसको अभी खरीद लेते हैं कम रेट पे, बाद में इसको जाके एक हाई रेट पे उसको बेच देंगे, एक बड़े मैक्सिमम हाई रेट पे उसको निकाल देंगे, सेल कर देंगे, ठीक है। तो ये सीजनल होता है, ठीक है, इसके लिए पैसा चाहिए होता है। बिजनेस साइकिल, ये एक बिजनेस साइकिल है जहां पर पैसा आता रहता है और जाता रहता है, कुछ करंट असेट्स में जाता है, कुछ करंट लाइबिलिटीज में जाता है, लोगों को पैसा देना पड़ता है और आना भी पड़ता है। इकोनॉमिक कंडीशंस, अगर मान लो इकोनॉमिक कंडीशंस कैसी है वो आपको देख रहे हैं, आर्थिक स्थिति कैसी है देश की, देश में इस समय क्या चल रहा है आपको ये देखना है, आपका माल जो प्रोड्यूस हो रहा है वो आपके कैपिटल बजट में हो, आपको इतना बड़ा ज्यादा बड़ा टेंडर या बड़ा पैकेजेस नहीं लेना जिसमें आपका वर्किंग कैपिटल चला जाए, कुछ रिजर्व आपके होते हैं। इकोनॉमिक कंडीशन में कोई भी एक मिस हैपनिंग हो सकती है, उसके लिए रिजर्व क्रिएट भी करना होता है कि अगर मान लो कोई चीज ऐसी आ गई जिसमें बिजनेस को बंद करना पड़ा तो उस जगह पर उस स्टेज पे आके हमें एक रिजर्व की हेल्प मिल सकती है जिसकी वजह से इकोनॉमिक कंडीशन जो होगी बेटर हो जाएगी। नेक्स्ट आता है इन्वेंट्री मैनेजमेंट, हमें इन्वेंट्रियों को मैनेज करना है, अपना स्टॉक मैनेज करके चलना है, अपना बैलेंस शीट मैनेज करके चलना है, अपना टैली अपना बुक्स ऑफ अकाउंट मैनेज करके चलना है, ये मैनेजमेंट में और फाइनेंस में इतना खर्चा आए ना कि मैनेजमेंट और फाइनेंस की बैलेंसिंग बिगड़ जाए, कभी कभी हमारे एसेट्स कम हो जाएंगे लाइबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी, तो ये सारी चीज़ें मैनेज कर रही है एक अकाउंटेंट या एक मैनेजर जो रखा जाता है हमने फाइनेंसिंग मैनेज करके, तो वो सारा ये मेंटेन करके चलेगा। अगला है मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल मैनेज कैसे करना है भाई अब सीखेंगे, वर्किंग कैपिटल को मैनेज कैसे करना है ये अब हम पढ़ने वाले हैं। तो पहली चीज तो आपको मेंटेनिंग करनी है रिजर्व्स की, मैंने अभी आपको बताया था रिजर्व कौन कौन से होते हैं भाई, देखो रिजर्व बहुत सारे होते हैं, जनरल रिजर्व हो गया, कैपिटल रिडक्शन रिजर्व हो गया, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व हो गया, ठीक है, तो इस तरह से आपको बहुत सारे एन नंबर ऑफ रिजर्व होते हैं जो मेंटेन करके चलने होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है ऑप्टिमाइजेशन इन्वेंट्री, मैंने बताया था इन्वेंट्री का एक बेटर यूटिलाइज करना है, आपको एक ऊपर लाइन बताई थी इन्वेंट्री मैनेजमेंट अभी बताया था, तो वही चीज है ऑप्टिमाइजिंग इन्वेंट्री, इन्वेंट्री का ऐसे यूज करना कि आपकी एसेट्स और कैपिटल पे ज्यादा लोड ना आए। अगला है मैनेजिंग रिसीवेबल्स, जहां से पैसा आने वाला है उसका एक टाइम पीरियड नोट करके चलना कि भाई 25 तारीख को रामू के घर से पैसा आना है 10 लाख रुपए, 26 तारीख को गीता के यहाँ से आएगा, 27 तारीख को एक क्रेडिटर है जो 1 लाख रुपए रिलीज करने वाला है, तो ये डेट और टाइम मैनेज कर रहा है कि पैसा कहाँ कहाँ से आने वाला है, क्योंकि जब देने वालों का हिसाब रख रहे हो तो पैसा लेने वालों का भी हिसाब रखो कि पैसा किससे कितना कब कहाँ लेना है, ठीक है, तो रिसीवेबल को मैनेज करके चलना होता है। अगर पैसा नहीं आएगा तो पैसा पे नहीं कर पाओगे। मॉनिटरिंग पेबल्स, मैंने बताया था ना पैसा आएगा तो पे भी करना पड़ेगा, पैसा इनसे लेओगे तो हिसाब रखना पड़ेगा, इसी तरह से पैसा जिनका देना है, देने वाले जो होते हैं जिनको आपको पैसा देना है, मतलब आप दोगे उसको पैसा, वो ये आपसे लेने वाला है, जो लेगा तो उसका भी हिसाब मेंटेन करके चलना होता है। क्रेडिटर्स बोलते हैं इसको नॉर्मल, क्या बोलते हैं भाई, क्रेडिटर्स बोलते हैं इसको अकाउंट्स की भाषा में, क्रेडिटर्स लेने वाले लोग, पैसा लेने वाले। नेक्स्ट है डिटरमाइनिंग वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग मिक्स, वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग मिक्स, अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे वर्किंग कैपिटल की जरूरत होती है फाइनेंशियल जो वो उसमें क्यों होती है। तो पहली चीज तो ये है कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो आपकी अच्छी चले, कॉस्ट ऑफ कैपिटल में आप क्या डालोगे, आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल की एक सीरीज है जिसमें अगर आपको नहीं पता तो मैंने चौथा या पांचवा लेक्चर कॉस्ट ऑफ कैपिटल का ही डाला है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल पार्ट 1, कॉस्ट ऑफ कैपिटल पार्ट 2, जिसमें हमने कुछ न्यूमेरिकल्स करे हैं, तो इसको देखने से पहले वो अगर नहीं देखा तो उसमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल का पूरा चैप्टर ही डिफाइन कर रखा है मैंने अच्छे से 1 घंटे में पूरा, तो वो जाके आप दोनों वीडियो देख के आओ भाई, वरना ये नहीं समझ आएगा। कॉस्ट ऑफ कैपिटल हम मेंटेन करेंगे, रिस्क टॉलरेंस पता चलता है कि
कि जब हम फाइनेंस मैनेज कर रहे हैं ना, तो रिस्क पता चलता है कि रिस्क अब कम हो रहा है कंपनी पे या रिस्क और बढ़ रहा है, बर्डन जो है वो कम हो रहा है या बर्डन ज्यादा हो रहा है। फिर आता है बिजनेस स्ट्रेटजी। भाई बिजनेस स्ट्रेटजी जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है किसी भी फाइनेंशियल डिसीजन के लिए। ठीक है, जब तक आप बिजनेस में स्ट्रेटजी नहीं बनाओगे कि आपको रिजर्व बनाना है, नहीं बनाना, आपको CRR बनाना है या आपको सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व बनाना है, आपको इन्वेंट्री कैसे मैनेज करनी है, जब आप ये सब चीजें करोगे नहीं, बिजनेस कर रहे हो, स्ट्रेटजी नहीं बना रहे हो, प्लान ही नहीं कर रहे हो कि ये सब चीजें बनेगी या नहीं बनेगी, आप सोच रहे हो पेमेंट किसको करनी है, उसका पैसा कहाँ से डिफाइन करोगे, पेमेंट अगर करनी है उसका सोर्स क्या है, कहाँ से पे करोगे, एसेट बेचोगे क्या, तो भाई ये सब चीजें मेंटेन करनी होती है, तो बिजनेस स्ट्रेटजी बोलते हैं इसको अच्छे से मेंटेन करना, जो कि एक फाइनेंशियल मैनेजर करता है। नेक्स्ट आता है मार्केट कंडीशंस। मार्केट की कंडीशंस का पता होना चाहिए। आप अगर पूरा वर्किंग कैपिटल कर रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए कब मार्केट में पीक आता है, कब मार्केट में डाउन आ रहा है, ठीक है, डाउनफॉल कब आ रहा है, क्योंकि आपको अपने शेयर्स वगैरह इसी मार्केट कंडीशंस के अकॉर्डिंग बेचने होते हैं। ठीक है, मार्केट में जब लगे डाउनफॉल है तब खरीद लो, जब लगे पीक आ रहा है बेच दो, शेयर पैसे आ जाएंगे, फिर डाउनफॉल आया फिर खरीद लो। ठीक है, साथ ही साथ अपने रिजर्व कुछ मेंटेन कर लो। तो ये सारी चीजें मार्केट कंडीशन, मार्केट में क्या है, आपके कंपटीटर्स क्या ले रहे हैं, कंपटीटर्स क्या बाय कर रहे हैं, वो सब चीजें मेंटेन करना है। ठीक है, नेक्स्ट आता है रेगुलेटरी इन्वायरमेंट। आपका जो इन्वायरमेंट है वो रेगुलेटरी होना चाहिए, हमेशा गोइंग कंसर्न की तरह चलना चाहिए। कैसा कंसर्न? गोइंग कंसर्न। ऐसा मान के चलो कि आपका जो एनवायरनमेंट है वो गोइंग कंसर्न है, बिजनेस कभी रुकने वाला नहीं है, कोई भी एनवायरनमेंट आ जाए, डायनामिक हो जाए, या कोई भी लीगल एनवायरनमेंट हो, सोशल एनवायरनमेंट हो, जैसा भी एनवायरनमेंट हो, बिजनेस रुकना नहीं चाहिए। ठीक है भाई, रेगुलेट करना चाहिए ऑलवेज। समझ आ रही है? तो ये थे आपके कुछ पॉइंट्स वर्किंग कैपिटल पार्ट वन के। तो आज हमने वर्किंग कैपिटल पार्ट वन में सारा कुछ डिफाइन कर दिया, सारा कुछ पढ़ लिया, अब जिसको उतारना है वो उतार लेना। अभी मैं हटूंगा तो भाई टाइम दे दूंगा उतारने का। अगर किसी को भी नोट्स वगैरह बाय करने हैं तो हम नोट्स बाय कर सकता है, कॉन्टैक्ट नंबर आपको ये दे रखा है, व्हाट्सएप पे मैसेज करो, नोट्स परचेज करने हैं तो नोट्स इजीली बाय कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, अपने फ्रेंड्स तक शेयर करो ताकि इस तरह के इंपॉर्टेंट लेक्चर्स आपके हेल्प के साथ साथ दूसरों की हेल्प भी कर पाए एग्जाम्स में। ठीक है, और अगर किसी का कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर देना। मैं मिलता हूँ एक नए लेक्चर के साथ, वर्किंग कैपिटल पार्ट टू के साथ नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो अच्छी लगती है लाइक शेयर कर दोगे, और अगर नोट्स वगैरह बाय करना है तो मैंने आपको बता दिया ये रहा कॉन्टैक्ट नंबर, कॉल मत करना, मैसेज करना व्हाट्सएप पे, मैसेज करना कि नोट्स परचेज करने, आपको आराम से ऑनलाइन मिल जाएंगे और आप इजीली नोट्स वहाँ से खरीद सकते हो। ठीक है भाई, सारे चैप्टर्स इंक्लूड हैं उसमें, और जिसने मेरे अभी तक प्रीवियस चैप्टर नहीं देखे तो भाई बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, तो पहले प्रीवियस चैप्टर देख के आओ, वरना सारा कुछ समझ नहीं आएगा, ऊपर से जाएगा, क्योंकि हर एक लेक्चर में एक टॉपिक, दो टॉपिक ऐसे हैं जो प्रीवियस चैप्टर के हैं, तो प्रीवियस चैप्टर से शुरू से पढ़ोगे तो अच्छे से मार्क्स आएंगे, ज्यादा मार्क्स आएंगे। और जो बच्चा तो बीच में से देख रहा है, अगर आपकी तरह पहला दूसरा लेक्चर में यही चला के बैठ गया तो भाई कुछ समझ नहीं आएगा और अपनी टाइम भी वेस्ट करोगे और अपना आगे मार्क्स भी जाएंगे। ठीक है, तो ये सब गलतियां मत करो, और मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अब आप उसको उतार लो, मैं चलता हूँ, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू, टाटा, बाय बाय, थैंक यू एंड कीप वॉचिंग, और बाय।